आपने मुझे इस शून्यकाल में अपने क्षेत्र के एक ज्वलंत समस्या को उठाने का अवसर दिया है। yes. अध्यक्ष महोदया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय रहा है कि डीवीसी का सौतेला व्यवहार झारखंड प्रांत के साथ अभी से नहीं, आजादी के मिलने के बाद से ही चलता आ रहा है, और झारखंड के साथ उसका सौतेला व्यवहार होता रहा है। झारखंड की शिकायत वो सुनता नहीं है। हमारे संसदीय क्षेत्र के कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड में बांझेडी ग्राम में सुपर पावर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। इन्होंने जब जमीन ली थी, हजारों एकड़ जमीन किसानों से ली, तब ये वादा किया था कि 10 किलोमीटर की रेडियस में किसानों को और रहने वाले लोगों को फ्री में हम बिजली देंगे। उत्पादन प्रारंभ होने के बाद भी अब वो एक भी घर में फ्री बिजली नहीं दे रहे हैं, और ना ही झारखंड प्रदेश को। बहुत सारे लोग हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सरकार को और ऊर्जा मंत्री महोदय इसमें पहल करें, डीवीसी के ऊपर दबाव डालें कि अपने वादा के अनुसार वो वहां के स्थानीय जनता को बिजली दे और झारखंड प्रदेश को प्रधानता दे, अन्यथा भविष्य में किसान जमीन देने से और ऐसे प्रोजेक्टों को रोकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उन्हें वादा के अनुसार काम करने का अनुमति दिया जाए।